बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की नजर हो चुका है और टॉस तक नहीं हुआ। क्या चार दिन के अंदर इस टेस्ट मैच का फैसला आएगा या नहीं आएगा? अगर इस टेस्ट मैच का फैसला नहीं आता या ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो तारीख में पहली दफा बांग्लादेश पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जी जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान शाहीन ने बांग्लादेश ए को ओडीआई के अंदर 1-0 से जीत लिया और शिकस्त दे दिया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान कप के ऊपर। पाकिस्तान कप के अंदर पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं अहमद शहजाद और उमर अकमल ने मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान कप के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स सीनियर एनालिस्ट इमरान सुहेल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, वेलकम टू द स्टार स्पोर्ट्स। इमरान भाई, पहले दिन तो बारिश की नजर हो चुका है और क्या चार दिन के अंदर इस टेस्ट मैच का कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? जिस तरह की हमने फुटेज देखी है, ग्रीन विकेट देखा है, क्योंकि पहले मैच के अंदर भी हमें यही नजर आ रहा था कि जो है ना विकेट फास्ट बॉलर के लिए साजगार होगी, लेकिन उस तरह हमारे फास्ट बॉलर ने यूटिलाइज नहीं किया विकेट को। और इस विकेट को देख के क्या आपको ये अंदाजा हो रहा है कि चार दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ये भी गारंटी से ये नहीं कह सकते कि चार दिन पूरा मैच होगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि चार दिन पूरा मैच भी हो पाएगा, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है वो काफी बुरी है। और ये वेदर कंडीशन आपको याद होगा, हम हमेशा ही दुआ करते हैं कि बारिश आ जाए या कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमारे लिए बचत हो जाए, लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है वो पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर लेके आ रही है। और अगर मैच ड्रॉ भी हो जाए तो फिर भी जो है वो पाकिस्तान सीरीज हार जाएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान के लिए एक तरह से एक खुशकिस्मती भी मैं समझूंगा, जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है, तो पाकिस्तान तारीख में पहली बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश से भी बच जाएगा। ये भी एक आपके पास मौका अल्लाह ताला ने दे दिया कि आप व्हाइट वॉश से बच जाएंगे। जिस तरह की फॉर्म है और जिस तरह की टीम की लड़ाइयां हैं और जिस तरह की टीम के अंदर बहुत सारे मिसाइल हैं, अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम सुपरस्टार्स की टीम भी बना ले। माजी की तरह जिस तरह शोएब अख्तर, वसीम अकरम, अकारी अगर वो भी होते और इस तरह की सिचुएशन होती, इस तरह की लड़ाइयां होती, तो शायद आप उनके होने के बावजूद भी ये सीरीज हार जाते, तो इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या होगा। आज आपने शाहीन शाह आफरीदी को टीम से बाहर बिठा दिया और आपको ये कहना पड़ा कि उनके घर जो बेटे की विदाइश हुई है उसकी सेलिब्रेशन के लिए वो टीम से बाहर हैं और रेस्ट करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल झूठी बात है। और ये आप जब बात कर रहे थे तो आपके मुंह से भी ये बात लग नहीं रही थी कि आप दिल से बात कर रहे हैं या किसी वजह से बात कर रहे हैं। बातें कुछ और हैं, अभी हम यहाँ कर नहीं सकते। अगर अब मैं यहाँ वो बात ब्रेक कर दूं तो आपको भी किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है और मुझे भी, मैं थोड़ा सा उस खबर को मैच्योर करना चाहता हूँ। और जिस तरह आपने अपने बताइए में कहा कि आप सुपर कप करवाने जा रहे हैं, सॉरी चैंपियंस कप करवाने जा रहे हैं, तो उसमें अहमद शहजाद ने ट्वीट कर दिया है बिल्कुल, तो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं और बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते। जब आप अंदाजा लगा लें कि वो बिल्कुल खेलना नहीं चाहते, उमर अकमल खेलना नहीं चाहते, तो जनाब फिर आपकी टीम के अंदर कौन होंगे, कहां से होंगे? आज मिसबा से सवाल किया तो वो भी मुझे खातर खा जवाब नहीं दे पाए कि टीम का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या होगा। बस उन्हें एक बात, उन्होंने भी कहा, मुझे एक बात बता दी गई है कि पिछले तीन साल की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है लड़कों का सिलेक्शन होगा, तो फिर देखेंगे कि क्या स्क्वाड सामने आता है। अच्छा, अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस के ऊपर या बाबर आजम की परफॉर्मेंस या साइम अयूब की परफॉर्मेंस, अब्दुल्ला शफीक अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे। उनका जब डेब्यू हुआ था तो पहले दो T20 मैचेस में जीरो था, फिर हम ले आए टेस्ट टीम के अंदर, तो टेस्ट टीम में स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हम उनकी जगह अगर मोहम्मद हुरैरा को नहीं खिला रहे, हम कामरान गुलाम को चांस नहीं दे रहे, फिर कंटिन्यूसली बाबर आजम को हम खिलाए जा रहे हैं। अगर सीनियर खिलाड़ियों को हम बात करें तो अगर हम रेस्ट दे देते तो क्या अच्छा नहीं होना था? और अगर हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर खिलाड़ियों को लेके जाते हैं तो हम उनको चांस भी नहीं देते हैं, तो क्या फायदा उनका बेचारों को परफॉर्म करने का, टॉप करने का डोमेस्टिक में? अरे कितने भोले हैं यार आप। अगर यार नए लड़कों को चांस देना होता और सारे ही नए लड़कों को चांस देना होता तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक ना हो जाती, बिल्कुल पाकिस्तान की जो क्रिकेट की सिचुएशन है वो कुछ और होती।
हमेशा से ही जब से मैं क्रिकेट को एनालाइज कर रहा हूँ एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट और जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान को, पहले तो चलो टीम अच्छी होती थी और लोगों को हमसे डर भी होता था, खौफ भी होता था, हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा था, मिडल ऑर्डर अच्छा था, लेकिन यार स्पिनर भी अच्छे थे जी जी। लेकिन आज के दौर में तो मैं ये बात भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान टीम जो है वो खौफ की अलामत होगी, और अब तो मुझे इस बात का हमेशा खदशा रहता है कि जैसी मर्जी साइड खिला लें तो हमने हार ही जाना है, तो नए लड़के क्यों खिलाएंगे हम तो अपने चांसेस में ही रहते हैं। विद बाबर आजम आज मैंने एक प्रोग्राम में कहा, आज मेरी बात लिख लें और ये नोट कर लें कि बाबर आजम की क्रिकेट का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो चुका है, और मैं ये बात को तुक्के से नहीं कह रहा, मैं स्टैट से ये बात कर रहा हूँ कि पिछले 10 मैचेस की अगर परफॉर्मेंस की उसकी एवरेज निकाल लें तो आपको बाबर आजम के स्टैट्स दिखाई देंगे, और जब भी दुनिया क्रिकेट में कोई भी प्लेयर नीचे जाता है, उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है, तो उसको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाबर आजम बजाय मेहनत करने के राइट और लेफ्ट की जो सियासत है उसके अंदर अभी तक इन्वॉल्व है, स्टिल इन दिस टेस्ट सीरीज वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। एक तस्वीरों की हद तक, वीडियोज की हद तक आप ये शो कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी बाउंडिंग है प्लेयर्स की आपस में, लेकिन ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है आपकी टीम के अंदर इत्तेफाक वाला। आपको आज अपने टॉप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को, जो अब तक की टीम में टॉप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसको बाहर बिठाना पड़ा है क्रिटिकल रीजंस और कुछ अंदरूनी मिसाइल की वजह से, वो किसी जाती मसले की वजह से टीम से बाहर नहीं हुए हैं, और उनको टीम से बाहर करने में फजल महमूद साहब पेश पेश है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं शाहीन शाहफरीदी को, और सामने इज्मत ना कर दी गया जैसन गिलेस्पी को, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके सामने कि टीम के अंदर और बहुत बड़ी खराबियां होने जा रही है, और आपसे शायद अब टीम ना संभाली जाए जब तक आप जिस सर्जरी का बात कर रहे थे वो सर्जरी ना कर लें, और जब तक आप सर्जरी के साथ साथ बड़ा ऑपरेशन ना कर लें आप इस टीम को नहीं संभाल सकते। आप किसी को भी ले आए टीम के अंदर, मतलब आपने 5 मेंटोर को बुला ली है, लेकिन इन 5 मेंटोरों का भी सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाना। बिल्कुल 50 लाख रुपए महीना उनको आपने देना है, 6 करोड़ रुपए आपने साल का एक बंदे को देना है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि सिर्फ पैसे का खेल रह गया है। और वो लोग जो टीवी पे बैठ के शोएब मलिक ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, उस टीम में खेलना भी है और मेंटोर भी रहना है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये क्रिकेट खेलेंगे तो यंगस्टर्स का क्या हाल होगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें अपने सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर, हमारे सीनियर खिलाड़ियों को क्या इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारे जूनियर प्लेयर्स अगर उनकी जगह पे आएंगे तो परफॉर्म करके तो उनकी जगह चली जाएगी? अगर पास्ट में चले जाए तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि ऑफ स्पिनर सईद अजमल साहब जो उमरे के लिए जा रहे थे, तो जिम्बाब्वे का टूर था, एक ऑफ स्पिनर का नाम आ रहा था, तो सईद अजमल साहब ने अपना उमरा छोड़ दिया था कि मेरी जगह पे आगे कहीं दूसरा ऑफ स्पिनर टॉप ना कर जाए। और इसकी एग्जाम्पल मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर वसीम अकरम साहब रेस्ट पे थे और मोहम्मद समी ने हैट्रिक कर दी थी, और अगले मैच के अंदर वसीम अकरम साहब भी आ गए थे। तो ये शुरुआत तो हमारे अगर देखें तो पास्ट में भी खिलाड़ियों के अंदर ये इनसिक्योरिटी आती थी, और अभी की जो खिलाड़ी हैं ये भी मेरे ख्याल से यही फील कर रहे हैं, इसलिए यंगस्टर को चांस नहीं देते। यार वो तो परफॉर्म करते थे ना, सईद अजमल आउट कर रहे थे, वसीम अकरम आउट करते थे जी जी। वो अच्छे लेजेंड फास्ट बॉलर थे, उनको स्विंग का सुल्तान ऐसे नहीं कहा जाता, और अगर सईद अजमल की बात की जाए तो उनके रिकॉर्ड पर बहुत सारी विकेट, और तो भाईजान इनके रिकॉर्ड पर क्या है पहले तो ये बताया ना, जिनको डर लगा हुआ या तो इनके रिकॉर्ड पे पूछो, तो फिर इनको भी फिक्र होनी चाहिए और जो इनको लेके आते हैं उनको भी फिक्र होनी चाहिए। ना ये परफॉर्म करते हैं, ना ये टीम के लिए खेलते हैं, और अब तो अपने लिए भी नहीं खेल पा रहे बेचारे, अब तो अपने लिए भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो जनाब इनको तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका बैकअप ही नहीं हमारे पास है, अगर इनके बैकअप के तौर पर हमारे पास कुछ होना तो इनको फिक्र करनी चाहिए। ये क्यों बेफिक्र है पता आपको? सबसे बड़ी बात यह है अली कि ये लोग इसलिए बेफिक्र है कि इन्होंने अपने पीछे बैकअप ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और जो क्रिकेट से रिटायर होकर गए, जो सिलेक्शन कमेटी में है, जो कोचिंग में है, बशमूल मिसबाहुल हक, बशमूल मोहम्मद हफीज, बशमूल वो सारे टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट रिसेंटली छोड़ी, मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जरा भर भी काम नहीं किया, उनका फोकस सिर्फ रहा पैसा इकट्ठा करना कि उनको कितने लाख मिलेंगे। पिछली नौकरी आपको पता है कि मिसबाह 35 लाख भली छोड़ के गए थे पर मंथ, बिल्कुल, अब किस नौकरी पे आए वो 50 लाख रुपए पर मंथ की, तो प्रायोरिटी पैसा कमाना है।
एक टीवी चैनल में बैठा था तो मेरे साथ एक जर्नलिस्ट से मैंने कहा कि वो तो एक दिन का 10-10 लाख भी लेते हैं तो पैसे उनके लिए पैसे तो मसला ही नहीं है। मैंने कहा पैसे वहां पर अगर वो एक सीरीज करते हैं ना, वर्ल्ड कप कर लिया या कुछ सीरीज कर ली, तो उसमें बस सीरीज से उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी जी। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 365 दिन का, 365 दिन ही उन्हें 1,50,000-60,000 रुपए मिलने हैं, वो तोड़ों में बात चली जानी है। और फिर वो आपको क्या लगता है कि शोएब मलिक जो है वो जब कमेंट्री का उनका सीजन आएगा, वो ब्रॉडकास्ट कंपनियों के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या वो पाकिस्तान जी ये जो पंजाब की टीमें हैं इनके साथ काम कर रहे हैं? नहीं भाई, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा कि जब मुझे छुट्टी चाहिए होगी, जब मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना होगा, जब मुझे फॉरेन टूर पर जाना होगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। और भाई एक टूर्नामेंट के अंदर 10-12 दिन का टूर्नामेंट है, 15 दिन का टूर्नामेंट है, उसमें वो फिजिकली अपेयर होंगे, उसके बाद आपको लगता है कि मिसबा, हफीज, सरफराज, सकलैन, वकार यूनस, ये 365 दिन आपको मिलेंगे? नहीं जनाब, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है ना 3-3 महीनों की, जी जी। जैसे स्कूल में सर्दियों की छुट्टी होती है ना, जैसे हम पढ़ते हैं तो मामू की बेटे की शादी आ गई, चाचू की बेटे की शादी आ गई, आज मुझे उम्र पे जाना है, तो भाई ये काम उन्होंने भी करने हैं। लेकिन आपने 1,66,000 रुपए पर डे उनको जरूर देने हैं, और वो आप काट नहीं सकते। अगर काटेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे, और अगर आपने उनको निकालना है तो आपको 1 महीने की सैलरी उनको एडवांस देनी पड़ेगी, फिर आप उनको निकालेंगे। अच्छा, शोएब मलिक साहब ने कल क्लियर एंड कट कह दिया कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल नहीं हूं T20 के लिए, लेकिन जो नेशनल T20 डोमेस्टिक नीचे होगा वो मैं खेलता रहूंगा, कि वो जरूर उन्होंने किसी यंगस्टर का हक मारना है नीचे डोमेस्टिक खेल के वो भी छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान तो उन्होंने खेलना नहीं है अब। देखो वो इसलिए, उसकी मैं एक रीजन बता देता हूँ, उसकी रीजन ये है अली कि जब वो, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लीग खेली है, पता है ना आपको, इंटरनेशनल लीग तो अभी भी नहीं छोड़ रहे क्योंकि वहां से आता है पैसा। बिल्कुल। तो वो दुनिया को दिखाने के लिए कि I am still touch on cricket, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस और मेरी फिटनेस बाकी है, वो अपने दाम नीचे नहीं लाना चाहते। अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी छोड़ देंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट तो छोड़ ही चुके हैं, तो जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ देंगे, नेशनल T20 नहीं खेलेंगे, तो भाईजान आप वो पागल समझते हैं, वो भी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल नहीं समझेंगे। वो कहेंगे भाईजान हमने तो क्रिकेट भी डोमेस्टिक भी छोड़ दी हुई है, तो हम इनको क्यों करोड़ों रुपए पे हायर करें? तो ये पॉलिसी है, बड़ा सियाना माशाल्लाह शोएब मलिक साहब बहुत सियाने हैं, सालकोटी बच्चे हैं, तो वो ये कभी भी ये बात समझते हैं और इस बात से कभी इग्नोर नहीं होंगे कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, उसी डोमेस्टिक क्रिकेट की बिना पर, उसी परफॉर्मेंस की बिना पर उनकी इंटरनेशनल बोली लगनी है और उन्हें इंटरनेशनल जो लीग्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट मिलने हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। बिल्कुल। अच्छा, इब्रार अहमद को पहले टेस्ट मैच से तो उन्होंने रिलीज कर दिया था, पाकिस्तान चाइन में भेज दिया, वहां उन्होंने 4 आउट किए, दोबारा फिर वो पाकिस्तान टीम में लेके आए, तो मैनेजमेंट इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमसे गलती हुई थी, इब्रार अहमद को हमने भेज दिया, दूसरे मैच के लिए वापस बुला लिया? फिर वही वाली बात, मैनेजमेंट से कब गलती नहीं हुई, और जो इब्रार का जाना है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलती हुई है, ये कोई प्लानिंग हुई है, कोई साजिश हुई है। देखो आपको पता है कि श्रीलंका के स्पिनर्स ने आउट किया, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान का अगर डोमेस्टिक नीचे देख लें, सीनियर डिस्ट्रिक्ट, वहां भी स्क्रिप्टेड क्रिकेट होती है, आपको पता है, किसी को एक मैच देना, किसी को दो मैचेस देने हैं, क्या पाकिस्तान टीम में भी यही चल रहा है कि वहां भी स्क्रिप्टेड क्रिकेट स्टार्ट हो गई है? तुमने मुझे लगता है बहुत सारे क्रिकेटर की ना क्रिकेट बंद करवानी है, इसलिए मेरे से ये सवाल करो। मुझे माजरत के साथ अली, ये अगर मैं बोलूंगा ना तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, और आपको भी पता है कि आई नो वेरी वेल क्या होता है। सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की सिलेक्शन कमेटी को अगर मैं साइड पे कर दू ना, उस पर मैं बात नहीं करूं, बिल्कुल, तो मैं पीसीबी के अगर रोल पे देख लू ना, तो पीसीबी के रोल माजी में, अब का मुझे नहीं पता, अब भी शायद होता हो, माजी में अगर आपने रन्स करने होते थे ना तो प्लेयर्स प्लेयरों के साथ मिल जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही है, बॉलर कप्तान अपनी मुखालिफ टीम में कोई प्लेयर खेल रहा होता था ना, तो उसके भी रन्स करवाता था और उसके आउट भी करवाता था, और उस खेल के अंदर आपके कुछ अंपायर, सारे नहीं, कुछ अंपायर भी शामिल होते थे। अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर समझते हो, तो मैं बड़ा खुल के बोलने का आती हूँ, मुझे छुपे अल्फाज में बात करने का बिल्कुल शौक नहीं है, ना मैंने कभी ये रखा है,
ये माजी का हिस्सा रहा है और ये मेरी बात को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ मैं ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और जब अब की बात करें तो मुझे लगता है शायद ये सिस्टम अब भी जारी है, क्योंकि डोमेस्टिक में जब प्लेयर परफॉर्म करके आता है तो वो 60-70 आउट करके आता है, तो ये क्या वजह है कि उनको जब इंटरनेशनल टीम में रखा जाता है तो वहां परफॉर्म क्यों नहीं करता? वहां वही बल्ला होता है, वही बॉल होता है, उसी तरह के प्लेयर होते हैं और वो वही बैट्समैन या बॉलर होता है, तो फिर उसको क्या कुछ सांप सूख जाता है या वो उसको पास और उसको इतना प्रेशर होता है कि यार मेरे सामने बांग्लादेश जैसी टीम आ गई और मैं उसके सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहा? तो ये सारी की सारी बात है पैशन और ईमानदारी की। आपका जो नीचे वाला सिस्टम है ना, उसमें ना तो प्लेयर ईमानदार है ना सिस्टम के अंदर लोग ईमानदार है। बनिस्बत इसके अगर मैं चला जाऊं ना बांग्लादेश, दूसरे छोटे छोटे मुल्कों में भी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के तो सिस्टम को छोड़ देना, वहां तो टोटल मेरिट पे काम होता है और डंडे के सर पे काम होता है, जो परफॉर्म करता है वो जेन्युइन परफॉर्म करता है। लेकिन जब यहाँ पर 60-70 आउट करते हैं ना, तो फिर भाई यहाँ पर वो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस तो अपनी होती है लेकिन बहुत सारी परफॉर्मेंस मिलमिला के होती है, और वो किस तरह मिलमिला के होती है मुझे ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ना मुझे भी कहीं से कोई नोटिस आ जाए और आपको भी नोटिस आ जाए। अच्छा इमरान भाई, अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे स्पेशल पाकिस्तान कप के ऊपर कि उसके अंदर जिस तरह उमर अकमल ने कह दिया है कि मैं नहीं खेल रहा और अहमद शहजाद ने भी कह दिया है कि मैं पाकिस्तान कप नहीं खेल रहा, और बात करेंगे पाकिस्तान शाहीन के ऊपर जो बांग्लादेश ए से ओडीआई सीरीज पाकिस्तान शाहीन ने जीत ली है।